हेलो गाइस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए रीडिंग करने वाले हैं और 15 से 30 मई के बीच में उनके लाइफ में क्या क्या होने वाला है ये हम चेक करेंगे, ठीक है। और मेन मैसेज हम यहाँ से लेंगे और सीक्रेट टैरोट डेक से हम एक मेजर मैसेज लेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे गॉड की तरफ से आपके पास कोई भी मैसेज आया है या नहीं, गुड लक मैसेज है ये, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हम साइड कर देंगे और ये भी हम साइड कर देंगे क्योंकि पहले हम मेन मैसेज चेक करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना लाओ। ओके, फाइव ऑफ वंड्स। सिक्स ऑफ वंड्स, फाइव ऑफ वंड्स, सिक्स ऑफ वंड्स, द स्टार। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। द हर्मिट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। द हाई प्रिस्टेस, बहुत अच्छी एनर्जी गाइस। ये हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी होती है ना, ये सबसे ज्यादा होली एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है इस कार्ड को, ठीक है। ये यहाँ पर जिसको दिखा रहा है ये लेडी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो ये आ जाना मतलब आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो गई है, ठीक है। 15 से 30 मई के बीच में आपका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होली रहने वाली है, ठीक है। आप भगवान से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे नज़र आ रही है 15 से 30 के बीच में, ठीक है। तो चलिए इसे हम साइड कर देते हैं, हम बाद में इसे बताएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो देखो ये हमारे 15 से 30 के फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन में मुझे लग रहा है कि सिक्स ऑफ वांड्स आपके पास कोई ऑफर आने वाला है, ठीक है। वो लव ऑफर होगा और बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होगा, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे और आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा मैं बताऊँ तो लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते होंगे, ठीक है। आपको एडमायर ज़्यादा करते होंगे, ऐसा प्रपोजल आपके पास आने वाला है, ठीक है। और इसके नीचे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब आपके पास जो प्यार आ रहा है वो देखकर बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होने वाली है, ठीक है। तो ये होगा आपके फर्स्ट सेशन में। तो देख लेते हैं सेकेंड सेशन। देखो सेकेंड सेशन में है फाइव ऑफ वंड्स, तो आपके मन में बहुत ही ज़्यादा बातें चलने वाली हैं, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में पड़ने वाले हो, ऐसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लव और करियर में, इन दोनों के बीच में आपके मन में बहुत ज़्यादा आपका मन ये बोलेगा वो बोलेगा, सारा दिन आपके मन में कोई ना कोई ख्याल आते रहेंगे, ठीक है। आप कोई डिसीजन लेना चाहोगे ले नहीं पाओगे, ऐसा है। अब बहुत ही ज़्यादा सोचोगे, बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग करोगे, रात में शायद बहुत देर तक भी आप जागने वाले हो, ठीक है। ये सोचने के लिए कि आपको आप क्या करें, ठीक है, आप कौन सा डिसीजन ले जो सही हो आपके लिए, ऐसा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा गया सेकेंड सेशन और थर्ड सेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि आप होप लूज मत करिए, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा धैर्य से सोच समझ कर काम लीजिए, आप होप को बिल्कुल भी मत लूज करिए। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है आपके मन में, ठीक है। आप जो चाहते हो उसे आप मैनिफेस्ट करके रियलिटी में बदल सकते हो, ऐसा पावर आपके अंदर है, ठीक है। तो ऐसा
होगा ये जो 15 से 30 के जो थर्ड सेशन में, सॉरी 15 से 30 के जो थर्ड सेशन है उसमें ऐसा होगा, ठीक है? आपको बताया जाएगा, आप शायद ऐसी परिस्थिति में इतना ओवर थिंकिंग करने के बाद आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो सब छोड़ छाड़ देती हूँ मैं, अभी इतना सोचना नहीं है, मैं सोच के कुछ कर नहीं सकती, ठीक है? आपको शायद इस लव ऑफर के लिए ही इतना ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, मैं वही बता रही हूँ कि आप होप बिल्कुल भी मत लूज़ मत करो, ठीक है? आपके पास उतना स्ट्रेंथ है कि आप ये जो कार्य है, आप जो जिस वजह से आप सोच विचार में पड़ोगे सेकंड सेशन में, उसका हल आपको मिल जाएगा, ठीक है? चिंता चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया, यहाँ पर इतनी अच्छी एनर्जी आ गई है, ठीक है? द हाई प्रिस्टेस, ये आने का मतलब है कि आपके सारे काम मुझे बनते नजर आ रहे हैं, ठीक है? कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि आपको आधा अधूरा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? ये होगा आपके 15 से 30 के बीच में। चलो देख लेते एक मेजर मैसेज आपके लिए क्या आता है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैसेज, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं। आपकी रीडिंग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थी और होली थी, ठीक है? मोस्ट होलीएस्ट कार्ड आपके लिए आ गया था, तो 15 से 30 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा चिंतन में रहोगे आप, पर फिर भी आपके मन में खुशियां रहेगी, ठीक है? ओवर थिंकिंग करोगे पर दुखी नहीं होगे कि आपको रोना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको चिंता करना पड़ रहा है ये हो सकता है, पर आप दुखी नहीं लग रहे हो, मुझे खुश लग रहे हो। स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो शक्ति है, ठीक है? आपके पास वो पावर है, आपके अंदर है, छुपी हुई है, ठीक है? आपको वो रियलाइजेशन हो जाएगा थर्ड सेशन में, 15 से 20 30 के बीच में जो थर्ड सेशन है उनमें हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है? होप बिल्कुल भी मत लूज मत करो, ये मेजर मैसेज से आ गया है, ठीक है? तो चलो, स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप कर सकते हो, ऐसा विश्वास आपका मन करने लगेगा, ठीक है? आप खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझने लगोगे। तो चलिए देख लेते हैं कि गॉड की तरफ से आपके पास कोई गुड लक मैसेज तो होगा, जरूर होगा, और मुझे लग रहा है कि अच्छा ही होगा। अटक गया, चलो एक ले लेती हूँ। क्या आया है? ओ, अ लव स्टोरी। मैंने आपको बताया था आपके पास कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है, ठीक है? आपका कोई एक लव स्टोरी शुरू होने वाली है, आपका एक लव स्टोरी बहुत अच्छी, ठीक है? तो ये गॉड के तरफ से आपके पास गिफ्ट में आ रहा है, ठीक है? अ लव स्टोरी, वाओ, बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छे। चलो बाय।